यूट्यूब फैमिली, आई एम आबिदा। मैं जो आज ट्यूटोरियल आई हूँ एक्चुअली अपने सबसे पहली पेंटिंग को मैंने रीपेंट किया है। मैंने सिर्फ ब्रांच वाले पार्ट को रखा है, इसकी ग्रीन फोलिएज जो कि पहले ऐसी थी उसको मैंने पेंट कर दिया है अपने बैकग्राउंड कलर से मैच करके। अब मैं स्पंज से दिखाऊंगी। मैंने स्पंज की 5 पेटल्स वाली कटिंग कर ली है। ये बहुत ही ईजी तरीका है, कोई भी आराम से कर सकता है, कोई बच्चा हो या बड़ा हो, डजेंट मैटर। हालांकि मैंने दीवार पे ब्रश से किया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ब्रश से करना, उसकी स्ट्रोक्स अलग आती है, बट ये सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे पिंक और वाइट यूज़ कर रही हूँ, आप अपना कोई सा भी फेवरेट कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू, रेड, येलो, वायलेट, कोई सा। अब ये जो बीच का स्पेस है मैं यहाँ पे वाइट कलर से स्पंज को यूज़ करूँगी। ये बीच में ध्यान रहे कि आपको ऑलरेडी कलर के ऊपर नहीं लगाना है, आपको अल्टरनेट थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाना है, तभी इसका अच्छा लुक आएगा। अब मैं बीच में इसके सेंटर पे ब्राउन कलर से डॉट लगाऊंगी, ये बहुत ही अच्छा लुक देगा आपके फ्लावर को। डजंट मैटर आप पहली बार बना रहे हो या कब बना रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी बनाओ खुशी के साथ बनाओ, एंजॉय करके बनाओ, इस तरह आपकी कोई भी आर्ट ख़राब नहीं हो। अगर हो भी जाती है सो व्हाट, यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, कोई गलत या सही चीज़ नहीं होती है आर्ट में। आप हर पल कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, आप एंजॉय कर रहे होते हो, आप खुशियाँ ले रहे होते हो। अब मैं आपको ब्रश से करके दिखाऊंगी जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। मैंने एक्चुअली ब्रश ही यूज़ किया है वॉल पे। तो ये 5 पेटल के स्ट्रोक मैं आपको दिखा रही हूँ धीरे से। ये कुछ इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई बच्चा भी इसको आराम से बना सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा वाइट फ्लावर बनाऊंगी इसके ऊपर। ये हो गया हमारा। तो अब अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लेके शुरू करते हैं। शुरुआत हमेशा ब्रांच की टिप से करें। ब्रांच की टिप पर सबसे पहले फ्लावर बना के शुरुआत करें, इससे अच्छा लुक आता है। और हाँ, जो ब्रांच है, ब्रांच का जो ट्यूटोरियल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके सबसे पहले ब्रांच का देख सकते हैं ट्यूटोरियल। अब आराम से खुशी खुशी हम इसको शुरू कर रहे हैं। हमेशा याद रहे, दिल में एक डर से मत बनाइएगा कभी भी। ठीक है, वॉल है, वो वापस से ठीक हो जाएगी। आप हमेशा से, आपको तो पता भी नहीं मैंने कितनी वॉल ख़राब करी है अपनी, बट सब चलता है। हमेशा अपनी गलतियों पर, अपने आप पर हंसिए और आगे बढ़िए, और हर गलती से कुछ ना कुछ सीखिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो जाहिर सी बात है, आप दूसरों को खुशियाँ बांटने के लिए आपको खुद भी खुश होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको समझना होगा दैट इन दी एंड यू आर द हीरो ऑफ योर ओन सेल्फ। आपको खुद अपनी खुशी के लिए काम करना पड़ेगा, और ये भी ज़रूरी है ताकि आप खुद खुश हों, तभी तो आप जाके दूसरों को खुश रख पाएंगे। इसलिए अपनी हॉबीज़ में या जो भी आपको करना पसंद है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। डी स्ट्रेसिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में। छोटा सा ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें।